हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। तो आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। देखते हैं कि वो कौन सी एनर्जी में है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या दिल में चल रहा है उनके। ये सारी ही चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा, और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कलेक्टिव रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे वीडियो की करंट सिचुएशन से अगर आप लोगों की करंट सिचुएशन मैच होती है तो ही आप लोगों ने आगे की रीडिंग देखना है। कलेक्टिव रीडिंग में कोई भी ग्रुप सिलेक्शन नहीं होता है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हुए देख लेते हैं कि आपके पर्सन अभी इस वक्त कौन सी एनर्जी में है। यहाँ पे जो कार्ड आया है उसको देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं या तो अपनी फीलिंग्स को कवर अप कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो उनके फीलिंग्स है उसके साथ वो ऑनेस्ट रहे, एटलीस्ट आपको तो बता दे, लेकिन वो ये शायद नहीं कर पा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिर से ये कार्ड जो है वो अपने आप ही निकल के आ गया है। कम्युनिकेट क्लियरली का ये कार्ड है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या फिर कुछ तो खल रहा है दोनों को, बट फिर भी आप ओपनली उस बारे में बात नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब ये जो क्लियर कम्युनिकेशन है ये अगर हो जाता है आप दोनों के बीच में तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर रिजॉल्व हो सकती है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई हो, या फिर आप दोनों की बातचीत ही बंद हो गई हो, या फिर इन्होंने आपको हर्ट कर दिया हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बाकी के कार्ड्स जब आते जाएंगे तब मैं किसी नतीजे पे पहुंच पाऊंगी। बी असर्टिव का कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि अभी इस वक्त आप इस कनेक्शन को लेके थोड़े से डाउट में हो, आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं यहाँ पे हुआ क्या है, इन्होंने जो आपको हर्ट कर दिया है उसकी वजह से आप विड्रॉ करने की सोच रहे हो या फिर बैकस्टेप लेने की सोच रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि जो उन्होंने फील किया है वो उन्होंने बताया नहीं है, और जो उन्होंने बताया है वो थोड़ा सा आपके लिए हार्श हो सकता है। तो जाने अनजाने में इस पर्सन ने आपको हर्ट तो डेफिनेटली किया है, या तो आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, ऐसा ही सिनारियो मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों के बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। बी असर्टिव का मतलब ये होता है कि जो भी गुजर रहा है आप दोनों के बीच में, जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में, उसके बारे में अपने पॉजिटिव सोचना है। ऐसा नहीं कि अगर चीज़ें एज पर प्लान नहीं जा रही है तो आप नेगेटिव सोच लिए या फिर विड्रॉ करने की सोच लिए, ये आप लोगों ने नहीं करना चाहिए, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हुए हैं, जैसे मुझे ये कार्ड देखते हुए ऐसे लग रहा है कि इन्होंने कुछ आपको हार्श कह दिया है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा दुख गया हो, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आपने आपकी फीलिंग्स इनको शो किए हो या फिर अपना एक इमोशनल साइड इनको दिखाया है, और इन्होंने उसको समझने के बजाय आपको ऐसा कुछ बोल दिया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट वाली एनर्जी में अभी इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको हर्ट करके वो भी खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कदम उठा लिया हो शायद अपने किसी डर और फोबिया की वजह से, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है।
एम्परर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि ये आपके सीनियर हो, वर्क प्लेस पे आपके बॉस हो, ये भी चीजें हो सकती है, या फिर आप इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये आपसे एज में बड़े हो, पोजीशन में बड़े हो, ऐसी भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ऐसे किसी इंसान ने आपका दिल दुखा दिया है, आपको डिसअपॉइंटेड फील कराया है, फिर भी आपके दिल में जो इनके लिए चाहत है वो कम नहीं हुई है, फिर भी आप हर्ट हो रहे हो लेकिन इनको भुला नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आप अभी इस वक्त इतने ज़्यादा हर्ट हो गए हो कि आपको ऐसे लगता है कि ठीक है, अब मैंने कुछ बोलना ही नहीं है, मैंने कुछ करना ही नहीं है, या फिर मैं अब कभी भी दोबारा अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करूँगा या करूँगी, इस टाइप से कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इस इंसान ने आपका दिल तो डेफिनेटली दुखाया है, आपको इस तरीके का रिस्पांस दिया है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसके पहले हो सकता है कि आप लोगों के बीच में साइलेंट वाली लाइकिंग चल रही हो और आपने कुछ इनको डायरेक्टली पूछने की कोशिश की है और इन्होंने आपको कोल्ड या न्यूट्रल रिस्पांस दे दिया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो फीलिंग्स डेफिनेटली म्यूचुअल है, यहाँ पे आप जो फील करते हो इनके लिए वो भी आपके लिए फील करते हैं, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। कई बार हम लोग जो होते हैं हमारी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट नहीं रह पाते हैं, हमारी कुछ मजबूरियों के वजह से, हमारे कुछ कमिटमेंट्स के वजह से, इसकी वजह से हमारे फीलिंग्स को कवर अप करने के लिए हम कुछ एक रास्ता अपनाते हैं और उन्होंने ही वही रास्ता अपनाया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो अभी इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो शायद, या फिर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रही है। जैसे बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो मून का कार्ड है, मून का जो कार्ड होता है वो मूड स्विंग्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इंसान आपके मूड्स को चेंज कर सकता है, यानी इनके बिहेवियर में जब चेंज आता है तब आप अपलिफ्टेड फील करते हो, अगर ये अपनी अटेंशन विड्रॉ करते हैं तब आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो। तो आपके दिल के ऊपर ये इंसान राज कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, और इन्होंने आपको ऐसे कुछ कह दिया है जिसकी वजह से अभी इस वक्त आप इस कनेक्शन को लेके इनसिक्योर फील कर रहे हो, या फिर डर रहे हो, या फिर हर्ट फील कर रहे हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की दिखाई दे रही है। अब ये आपके बारे में क्या सोचते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इनके दिल के राज खोलने वाले हैं। हो सकता है कि इनके एक्शंस अलग हो, क्योंकि यहाँ पे पहला ही कार्ड जो आया है वो यही दिखा रहा है कि ये अपने फीलिंग्स को छुपाते हैं, आपके लिए जो भी फील करते हैं वो दिखाते नहीं है। अब इनके रीजन्स अलग अलग हो सकते हैं, वो बात अलग हो गई, बट इनके एक्चुअल ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये भी अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको हर्ट करके इनको बहुत ही ज़्यादा दुख पहुँचा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये थॉट इनके दिल में है। शायद अभी कवर अप करने का ट्राई भी करने आए थे लेकिन आपने ही इनको मौका नहीं दिया हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अभी इस वक्त ये भी दुखी है, आप भी दुखी हो, और इनको बहुत सारे रिग्रेट्स परेशान कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, आपका दिल दुखा के इनको बहुत ही तकलीफ हो रही है, और अब भी ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लगती है। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी के जरिए आपके साथ कनेक्टेड रहते हो, या फिर ये टेक्नोलॉजी के जरिए आप पे नज़र रख रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि आप जो भी स्टेटस अपलोड करते हो उधर उनका ध्यान रहता है, या फिर जो भी आप स्टोरीज अपलोड करते हो वहाँ पे उनका ध्यान रहता है, या फिर आपके व्हाट्सएप डीपीज को ये गौर से निहारते होंगे, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये डायरेक्टली कुछ भी आपके साथ इंट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली इनकी पूरी नज़र आपके ऊपर है, ये मुझे लग रहा है, यानी ये आपको स्टॉक तो डेफिनेटली कर रहे हैं, दिखाते हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नाइट ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो अब ये क्या करने वाले हैं कि खुद को बिजी करने वाले हैं, खुद को ऑक्यूपाइड करने वाले हैं, ताकि आपका थॉट ही इनको ना आए, क्योंकि आपके बारे में सोच सोच के इनकी एनर्जी भी ड्रेन हो रही है और इनको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। इनके हाथ से कुछ ऐसा हो गया है जो गलत हो सकता है आपके लिए, जिसकी वजह से आपने डिसअपॉइंटेड फील किया है, जिसका अफसोस इनको भी है, बट अब ये चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि आपसे आके सॉरी कहे, या फिर आप अपना साइड आपको क्लियर कर दे, ऐसा ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उल्टा
ये और ज्यादा खुद को बिजी रख रहे हैं, ऑक्यूपाइड रख रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इस टाइप से ये कुछ दिखा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है जो चक्रव्यूह को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी आपके ख्यालों में कैद तो है लेकिन शायद इनको कुछ रास्ता नहीं मिलता है, इनको कुछ जरिया नहीं मिल रहा हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो स्टक एनर्जी में ये भी है, यहाँ पे कुछ तो है, कॉम्प्लिकेशंस है ऐसे जिसकी वजह से इन्होंने आपको जो है वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट तो नहीं किया। अब जब इन्होंने आपको खो दिया है तब इनको बहुत अफसोस हो रहा है, रह रहे के आपका थॉट आ रहा है, रह रहे के ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इनको ऐसे लग रहा है कि आप कर ही क्या सकते हैं, यही सही है, भले ये डिफिकल्ट है सभी के लिए बट सभी के लिए यही सही हो, ऐसा कुछ ही सोच रहे हैं, लेकिन ये आपके बारे में तो डेफिनेटली सोच रहे हैं, आप ही आप इनके ख्यालों में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसे लगता है कि आपका जो कनेक्शन है इसकी मंजिल शायद कुछ नहीं हो सकती है, इसी की वजह से ये इस कनेक्शन में बने नहीं रहना चाह रहे हैं, या फिर इनको ऐसे लगता है कि आप इनमें इमोशनली इन्वॉल्व हो और अगर ऐसी सिचुएशन में कहीं आपको ना हर्ट कर दे, कुछ और ही ना हो जाए, ऐसे डर के वजह से भी ये ऐसे रिएक्शंस देते होंगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी इस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, एंग्शियस फील कर रहे हैं, बेचैन फील कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं और उनको ऐसे लग रहा है कि काश मैं कुछ कर पाता या कर पाती या फिर आपको कुछ राहत दिला सकते तो कितना अच्छा होता, ऐसा इनको लग रहा है। इनको ये भी लगता है कि आप और भी कोई प्रॉब्लम्स में फंसे हो, और भी कुछ चैलेंजेस से अभी इस वक्त आप डील कर रहे हो जहाँ पे आपको इनकी मदद की ज़रूरत है, ऐसा भी ये सोचते हैं, या फिर इनको ये लगता है कि आपकी हेल्प करना चाहिए थी बट अब किस मुँह से आपको अप्रोच करें, कैसे आपको बताए, ऐसा ये सोचकर ही सोचते ही रह जाते हैं, करते कुछ भी नहीं है, और इनकी ईगो भी बहुत आड़े आती है, ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। शायद कुछ प्रेशर है इनके ऊपर, सोसाइटी का प्रेशर, रेपुटेशन का प्रेशर, जिसकी वजह से भी ये अपने फीलिंग्स को दबा देते हैं और दबाने के बाद इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, यही मुझे यहाँ पर इनके लिए फील हो रहा है। जैसे कि आप इन कार्ड्स को देख रहे हो कितना ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं और आप ही को याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए बट हेल्पलेस फील कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, नाइन ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड यहाँ पे आया है और टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से आपका कनेक्शन डील कर रहा है, शायद इन्होंने सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश ही की है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है, लेकिन इन्होंने आपके लिए एक अपनापन फील ज़रूर किया था, इनको ऐसे लगता था कि आप इनके अपने हो, जाने पहचाने हो, या फिर आपके लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर इनके दिल में है, बट ऐसे कुछ हो गया है, शायद आपसे कुछ गलती हो गई है, इनसे कुछ गलती हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आपका रिश्ता घिरा हुआ है। बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, या फिर आप रो रो के टाइम गुजार रहे हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अब आपको भी खुद पे गुस्सा आ रहा है, आपको भी ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया में यही एक मिला था प्यार करने के लिए जिसने मेरे दिल को ऐसे कुचल दिया, इस टाइप का भी थॉट आपके दिल में है, और रह रहे के आपको इनका जो बिहेवियर है वो याद आ रहा है और वो चुभ रहा है, जैसे खंजर के जैसे चुभ रहा हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको दुख देकर ये भी इंसान खुश नहीं है, बट जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो इन्होंने रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है, तो हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हो, बहुत सारा प्रेशर हो, या फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जिसकी वजह से ये दिल की बातों को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर समझने के बाद वहाँ पे कुछ एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो। तो इस इंसान ने आपको स्ट्रेस तो बहुत दिया है और आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब ये ख़त्म ही कर देना चाहिए, अब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनूंगा या चुनूंगी, ऐसा अभी आप सोच रहे हो, लेकिन फिर भी आपका जो दिल है फिर से इनके बारे में सोच रहा है, फिर से आपको उम्मीद है कि फिर से यहाँ पे कुछ ठीक हो सकता है, यही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब इनको लग रहा है कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, अब आप फिर से इनको अप्रोच नहीं करोगे। आप जब इनको अपना इमोशनल साइड दिखाते हो तब इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और ये आपके उस इमोशनल साइड से ही डर जाते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, खुश होने के बजाय डर जाते हैं। इसकी वजह से इनको लगता है कि एक बार अगर ये आपका दिल तोड़ दे तो फिर से आप इस रास्ते पे चलोगे ही नहीं और इनके लिए आसान हो जाएगा, बट ये बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि ये सब करके ये आपसे भी ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं और यहाँ पे उनका भी किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। ये मैकेनिकली तो कर रहे हैं ऐसा कि काम में बिजी रहे, बहुत ही ज़्यादा काम करे, रात दिन खुद को काम में डुबो दे, ऐसा ये कर रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन, हारा हुआ,
ऐसा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है और जाने अनजाने में आप लोगों ने एक दूसरे का दिल तो दुखाया है, बट यहाँ पे उस इमोशनल वुंड को कैरी करने के बजाय आप लोगों ने क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। और आपने अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपने इनके अप्रोच की वेट करना है, आपने ये देखना है कि अब ये ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, क्या एफर्ट्स डालते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिल में रहकर ही काफ़ी नहीं होता है, वो एफर्ट्स में भी प्यार छलकना ज़रूरी होता है। तो अब आपने इनके एफर्ट्स में प्यार कब छलकेगा इसकी वेट करना है, और तब तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना है, अपने लाइफ में फोकस करना है, और इनको टोटली इग्नोर आपने करना है। जब आप इनको टोटली इग्नोर करते हो तो इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। पहले इन्होंने आपका दिल दुखाया, अब आपने भी वो बदला लेना है। और जब आप पूरी तरीके से अपनी अटेंशन को विड्रॉ कर लोगे तब इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, तब ये आपके लिए बेचैन होने वाले हैं, तड़पने वाले हैं, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यही एक जरिया है रियलाइजेशन करवाने का और इनको ये एहसास दिलाने का कि आपकी भी फीलिंग्स है, सिर्फ इनके ही फीलिंग्स है ऐसा नहीं है, आपको भी तकलीफ होती है, आपके पास भी एक दिल है जो इनका बस प्यार चाह रहा है, अफेक्शन चाह रहा है, और इनकी थोड़ी सी केयर चाह रहा है, दैट्स इट। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो बात ही क्या है। ये एक मैसेज उन तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपने साइलेंस ट्रीटमेंट दे के उन तक पहुंचाना है, यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। जब आप इस तरीके से ट्राई करोगे तब इनको बहुत ही ज़्यादा दुख होने वाला है, और फिर ये चीज़ों को संवारने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आपको सॉरी भी कह सकते हैं, फिर से दोबारा मौका भी आपसे मांग सकते हैं। लेकिन तब तक आपने इमोशनली स्ट्रांग बनकर पेशेंस दिखाने हैं, ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज के रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।